हेलो विद्यार्थी, सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने प्रतिजन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? प्रतिजन, कि प्रतिजन क्या होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीजन निर्धारक, एपिटॉप, इसके अलावा प्रतिजन के विनाश की जो कार्यविधि थी, प्रतिजन के विनाश की जो कार्यविधि थी उसके 4 चरण जो थे उनके बारे में समझाया, कि जो प्रतिजन का जो विनाश होता है या प्रतिजन के विनाश के जो क्रियाविधि है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए समझाया। आई बात समझ में? आज एक नया टॉपिक, प्रतिरक्षी। कौन सा है प्रिय छात्र छात्राओं? प्रतिरक्षी। तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिरक्षी। तो समझना, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। आई बात, प्रतिरक्षी जो होता है, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। और इसे संक्षिप्त में क्या कह देते हैं? IG। आई से क्या बनता है? इम्यूनो, इम्यूनो। और जी से क्या बनता है? ग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। आई बात समझ में? ध्यान देना कि जो प्रतिरक्षी जो होता है, प्रतिरक्षी के बारे में बता रहा हूँ, तो प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। और संक्षिप्त में क्या कह देते हैं? IG। और ये प्लाज्मा कोशिका के द्वारा, कौन सी कोशिका के द्वारा? प्लाज्मा कोशिका के द्वारा गामा ग्लोबुलिन से क्या होती हैं? निर्मित होती हैं। जो अपनी क्या होती है, प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं, ये प्लाज्मा कोशिका जो होती है, प्लाज्मा कोशिका से निर्मित गामा ग्लोबुलिन क्या होती है? प्रोटीन से क्या होती है? निर्मित होती हैं। आई बात समझ में? कि ये प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्राणियों के रक्त एवं अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं? जो प्राणियों के रक्त एवं अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? तो मैं इसको लिख रहा हूँ, उत्तर लिख, यानी प्रश्न लिख के डाल लेना भाई, प्रतिरक्षी क्या है या प्रतिरक्षी को समझाइए। इतना आप हेड डाल लेना, प्रतिरक्षी को समझाइए। तो लिखना प्रतिरक्षी, तो ध्यान देना प्रतिरक्षी को, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, पार्ट नंबर 4, प्रतिरक्षी को, प्रतिरक्षी को इम्यूनो। आ रही बात समझ? प्रतिरक्षी को इम्यूनो ग्लोबिन भी कहा जाता है। क्या कह देते हैं इसे? इम्यूनो ग्लोबिन, ग्लोबिन। आई बात समझ में? प्रतिरक्षी को इम्यूनो ग्लोबिन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। आई बात समझ में? कहा जाता है। इसे संक्षेप में IG कहते हैं। क्या कहते हैं? IG। इसे संक्षेप में IG कहते हैं। क्या कहते हैं? IG। आई से क्या बनता है? इम्यूनो। क्या बनता है? इम्यूनो। और जी से क्या बनता है? ग्लोबिन। तो इसे संक्षिप्त में क्या कह देते हैं? इसे संक्षिप्त में IG भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो फिर ये छात्र छात्राओं ध्यान देना, इसे संक्षिप्त में IG कहते हैं। क्या कहते हैं? IG। आई बात समझ में? इसके बाद आगे चलते हैं कि ये किससे निर्मित होता है प्रतिरक्षी। तो ये प्लाज्मा कोशिका, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? अपनी प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती हैं, यानी ये प्लाज्मा कोशिकाओं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? अपनी प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं, ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित, ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित, द्वारा निर्मित कौन सी है? गामा ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन है। कौन सी है? गामा। ध्यान देना कौन सी है? गामा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। आई बात समझ में? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कि यह प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित क्या है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। आइए समझ, जो प्राणियों के रक्त, किसमें? प्राणियों के रक्त एवं अन्य तरल द्रव्यों में या अन्य तरल पदार्थों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जो अपना शरीर में क्या होता है? रुधिर होता है। क्या होता है? रुधिर होता है। जो प्राणियों के रक्त एवं, जो प्राणियों के रक्त एवं अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं, तथा अन्य तरल पदार्थों में, तथा अन्य
तरल पदार्थों में, कौन से पदार्थों में, जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे लसका भी होती है तरल पदार्थ में ही सम्मिलित है लसका, आई बात समझ में। तो जो प्राणियों के रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं, आई बात समझ में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका प्रतिरक्षी। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना कि प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, इसे संक्षिप्त में आईजी कहते हैं, और यह प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्राणियों के रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं, आई बात समझ में। आगे क्या होता है, जो प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने, गौर देना, प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने, यानी प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिजन को क्या करते हैं, पहचानते हैं, प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने, यानी प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने, आई बात समझ। एवं निष्प्रभावी करने हेतु, एवं क्या करने के लिए, उसे निष्प्रभावी यानी उसकी क्रियाशीलता को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, उसकी निष्प्रभावी मतलब है जिसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ध्यान देना, क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, आई बात समझ में। तो दोबारा ध्यान देना कि प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने एवं निष्प्रभावी करने हेतु, क्या करने हेतु, निष्प्रभावी यानी क्या करने हेतु, निष्प्रभावी, उन्हें निष्क्रिय करने हेतु, निष्प्रभावी या निष्क्रिय करने हेतु, आ रही बात समझ में, निष्क्रिय करने हेतु, निष्प्रभावी एवं निष्क्रिय करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करता है, क्या करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है, और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटॉप कहलाता है, क्या कहलाता है, पैराटॉप कहलाता है। तो प्रश्न बनता है पैराटॉप किसे कहते हैं, प्रतिजन का वह भाग, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्या करता है, प्रतिजन का वह भाग यानी प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, क्या कहलाता है, पैराटॉप कहलाता है, यानी प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है, पैराटॉप कहलाता है। तो लिख रहा हूँ मैं इस बात को कि प्रतिजन, प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने एवं निष्प्रभावी, क्या करने हेतु, निष्प्रभावी बनाने हेतु, प्रतिजन से, किससे, प्रतिजन से, निष्प्रभावी बनाने हेतु प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है, प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है, निष्प्रभावी बनाने हेतु प्रतिजन से क्रिया करते हैं, आई बात में, प्रतिजन से क्रिया करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, क्रिया करते हैं, क्या कि किससे क्रिया करते हैं, प्रति, किससे, प्रतिजन से, यानी निष्प्रभावी बनाने हेतु प्रतिजन से क्रिया करते हैं, आई बात समझ में। और इसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा, चाहे सी में इंक्लूड कर लेना चाहे हैंडा लेना, पैराटॉप, एक तो एपिटॉप पढ़ा है आपने जिसको हम एंटीजन निर्धारक के नाम से भी जानते हैं, कि प्रतिजन जो होता है संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, बल्कि उसके कुछ विशिष्ट अंश ही क्या होते हैं, प्रतिरक्षा से अनुक्रिया करते हैं या प्रतिरक्षी से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, यानी प्रतिजन जो होता है, प्रतिजन यानी प्रतिजन का जो संपूर्ण अणु है वो प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, बल्कि उसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, इन अंशों को हम एंटीजन निर्धारक या एपिटॉप कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, पैराटॉप, क्या होता है, प्रतिरक्षी का वह भाग, ध्यान देना, प्रतिरक्षी का वह भाग, आर्यवास में जो प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है, प्रतिरक्षी का वह भाग, जो प्रतिजन से क्या करता है, अनुक्रिया करता है, आई बात समझ में, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है, पैराटॉप कहलाता है, प्रतिजन से क्रिया करता है,
क्या कहलाता है? पैराटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? पैराटॉप कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ये, प्रश्न एक नंबर का, क्योंकि मैंने बताया था इस पार्ट से एक एक नंबर के कितने प्रश्न आते हैं, तीन प्रश्न आते हैं, कितने आते हैं तीन। आई बात समझ में? तो एक नंबर में आ सकता है भाई पैराटॉप किसे कहते हैं, तो प्रतिरक्षी का भाग, वह भाग जो प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है, पैराटॉप कहलाता है। तो ये हो गया आपका प्रतिरक्षी। अगला टॉपिक है इसमें प्रतिरक्षी की संरचना। क्या है प्रतिरक्षी की संरचना? तो देखिए प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में बता रहा हूँ, हैंडा लेना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है प्रतिरक्षी की संरचना को समझाइए, तो बड़ा प्रश्न तो आता ही नहीं है, छोटा प्रश्न पूछेगा, लेकिन लिखाने को इसमें यही लिखा देते हैं भाई प्रतिरक्षी की संरचना को समझाइए। तो हैंडा लेना प्रतिरक्षी की संरचना, आई बात समझ में? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी की संरचना। तो ध्यान देना प्रतिरक्षी का जो आकार होता है अंग्रेजी के बाई आकार जैसा होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी के बाई आकार जैसा होता है। आ रही बात समझ? प्रतिरक्षी का जो आकार होता है वो अंग्रेजी के बाई आकार जैसा होता है। तो लिखना इस बात को कि प्रतिरक्षी का जो आकार, प्रतिरक्षी का आकार, प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के किसके, अंग्रेजी के प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसा होता है। कैसा होता है? वाई अक्षर जैसा होता है। आई बात समझ? प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसा होता है, वाई अक्षर जैसा होता है। आ रही है बात समझ में? वाई अक्षर जैसा होता है। और इसकी संरचनात्मक इकाई में, और इसकी जो संरचनात्मक इकाई होती है कितने से मिलकर बनी होती है? चार से। किससे बनी होती है? चार से। चार संरचनात्मक इकाइयों से क्या होता है, मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। यानी चार संरचना इकाइयों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। कौन? प्रतिरक्षी। कौन बना रहता है? प्रतिरक्षी। आ रही बात समझ में? प्रतिरक्षी किससे बना रहता है? चार। आई बात समझ? कितने से बना रहता है? चार से। तो यह जो यह चार संरचनात्मक इकाइयों से, तो लिख लेना चार संरचना इकाइयों से मिलकर बना होता है। यह चार संरचनात्मक इकाइयों से, चार संरचनात्मक इकाइयों से, चार संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर, चार संरचना इकाइयों से मिलकर बना होता है। प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के बाई अक्षर जैसा होता है, और ये कितने से, चार संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है। आई बात समझे? अब जो चार संरचनात्मक इकाई हैं, इनमें से दो कैसी होती हैं, बड़ी एवं भारी। दो कैसी होती हैं, बड़ी एवं भारी, और दो कैसी होती हैं, हल्की एवं छोटी। हल्की एवं छोटी कितनी इकाइयों से मिलकर बना होता है? चार से। चार में से दो कैसी हैं, बड़ी हैं। बड़ी हैं तो कैसी हैं, भारी हैं, हैवी हैं। और दो कैसी हैं, छोटी हैं। कैसी हैं, छोटी हैं। छोटी हैं इसके अलावा कैसी हैं, यानी इसके, यानी दो भारी हैं और बड़ी हैं, दो हल्की हैं, वो कैसी हैं, छोटी हैं। तो हल्की को क्या कहते हैं, लाइट। क्या कहते हैं, लाइट। तो इस बात को लिख लेना इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कि इनमें, इनमें दो भारी, इनमें दो भारी एवं हल्की, इनमें दो भारी, इनमें यानी इनमें दो भारी एवं बड़ी करना, एवं बड़ी तथा दो हल्की, दो हल्की एवं छोटी। एवं कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। इनमें दो भारी एवं बड़ी तथा दो हल्की एवं कैसी होती हैं, छोटी। छोटी क्या होती हैं, छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कैसी होती हैं, दो भारी और बड़ी हैं, और दो कैसी हैं, छोटी हैं। और कैसी होती हैं, दो छोटी होती हैं, और दो कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। आई बात समझे? तो कैसी हैं वे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। तो देखिए भारी एवं बड़ी किससे प्रजनन करते हैं, एच से। क्यों, हैवी माने क्या होता है, हैवी माने क्या होता है, भारी। तो किससे प्रजनन कर देते हैं, एच से। जबकि हल्की एवं छोटी किससे, एल से। एल मतलब लार्ज, लाइट भी कह देते हैं, यानी हैवी माने बड़ी, और एल का मतलब लाइट। लाइट माने कैसा होता है, हल्का। कैसा होता है, हल्का। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के बाई अक्षर जैसा होता है, चार संरचना इकाइयों से मिलकर बना होता है, इनमें दो भारी एवं बड़ी तथा दो हल्की एवं छोटी। अब छोटी जो होती हैं,
किससे प्रेजेंट करते हैं इसको, एल से, किससे प्रेजेंट करते हैं एल से, तो छोटी पॉलीपेप्टाइड, कौन सी प्रिय छात्र छात्राओं, पॉलीपेप्टाइड, यानी किससे बनी होती हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रश्न आ सकता है कि प्रतिरक्षी जो होता है कितनी संरचना इकाइयों से मिलकर बना होता है, दो, कितने से बना होता है, चार से। प्रतिरक्षी जो होता है कितनी संरचना इकाइयों से मिलकर बना होता है, चार से, जिनमें से दो कैसी हैं, भारी एवं बड़ी होती हैं, और दो कैसी होती हैं, हल्की एवं छोटी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। आगे फिर बता रहा है, इसमें ध्यान देना कि एक भारी एवं हल्की, कि एक तो भारी मिल गई, ध्यान देना, एक भारी, भारी किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे, एक भारी एवं एक हल्की, एक कैसी होती है, हल्की होती है, और हल्की किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, एल से, लाइट माने हल्का, तो एक भारी एवं हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यानी एक भारी एवं एक हल्की जो होती हैं, क्या होती हैं, श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं, एच एल द्विलिख बनाती हैं, एक भारी एवं एक हल्की श्रृंखला, श्रृंखला मिलकर क्या बनाती हैं, श्रृंखला मिलकर एक क्या बना देती हैं, एच एल द्विलिख बना देती हैं, भाई एक एच बन गया और एक क्या हो गया, एल, मिलकर क्या बना देते हैं, एच एल, मिलकर एक एच एल द्विलक, द्विलक बनाती हैं, क्या बनाती हैं, द्विलक बनाती हैं। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, कि एक भारी, ये भारी श्रृंखला मिल जाती है, और एक कौन सी होती है, हल्की, और दोनों श्रृंखलाएं मिलकर क्या बना देती हैं, एच एल द्विलिख बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एच एल द्विलिख बनाती हैं। आई बात समझ में, और एच एल द्विलिख बनाती हैं, और दो द्विलिख मिलकर, कितने द्विलिख मिल जाते हैं, दो, दो द्विलिख मिलकर, क्योंकि एक द्विलिख में क्या होते हैं, एक एच होता है और एक एल होता है, दो द्विलिख में क्या हो जाएंगे, दो एच हो जाएंगे, दो क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रतिरक्षी बन जाएगा, तो दो द्विलिख मिलकर, दो द्विलिख मिलकर, और क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं, एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, मिलकर एक प्रतिरक्षी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, दो द्विलिख मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। ऐसे समझो कि भाई कुल कितनी है इकाइयां, चार हैं, कितनी है, चार हैं, ध्यान देना कुल कितनी है, चार। अब चार में से ध्यान देना, एक कैसी है, हल्की है, और एक कैसी है, भारी। अब हल्की और जो भारी हैं, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एच और एल द्विलिख बना देती हैं। अब जब दो द्विलिख मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, एक प्रतिरक्षी, यानी कुल कितनी है भाई, चार हैं। चार में दो हल्की हैं, दो कैसी हैं, भारी। अब एक एक, एक हल्की और एक भारी मिलकर क्या बना रही है, एक एच एल द्विलिख बना रही हैं। अब दो एच मिल जाएं और दो ही एल मिल जाएं तो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा। क्यों, पूरे प्रतिरक्षी में कितनी इकाइयाँ होती हैं, चार होती हैं, दो हल्की होती हैं और दो कैसी होती हैं, भारी। आई बात समझ में, दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रतिरक्षी जो अणु होता है दो समरूपी अद्रांशों से मिलकर बना होता है। अद्रांश हैं कि नहीं है, एक एच और एक क्या है, एल, एक एच और एक क्या है, एल, तो ये क्या हैं, अद्रांश हैं कि नहीं है, आधे हैं कि नहीं है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रतिरक्षी जो अणु होता है दो समरूपी हैं कि नहीं है, एक एच एल और एक एच एल, तो दो द्विलिख बने कि नहीं मिले, किसका निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षी का, किसका करते हैं, प्रतिरक्षी का, तो कैसे हुए, समरूपी हुए कि नहीं हुए। तो दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रतिरक्षी अणु होता है दो समरूपी अर्द्रांशों से मिलकर बना होता है, और दोनों जो अद्रांश होते हैं, दोनों अद्रांश होते हैं, ये डाइसल्फाइड बंद से क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। यानी दोनों जो अद्रांश होते हैं अपने आधे आधे भाग होते हैं, भाई एक एच और एक एल, कैसा भाग है ये प्रतिरक्षी का, आधा है, फिर एक एच और एक एल, ये कैसा, आधा है। तो दोनों अद्रांश जब मिल जाते हैं तो एक समरूपी प्रतिरक्षी का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, और एक किससे जुड़े रहते हैं, डाइसल्फाइड के बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, किसके द्वारा, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आई बात समझ में, ध्यान देना। और प्रत्येक अद्रांश में जो H और L इकाइयां हैं, H और L जो इकाइयां हैं, H और L इकाइयां, ये भी डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा क्या होती हैं, संयोजित होती हैं।
आई बात समझ में। एच एल इकाइयाँ ये भी डाइसल्फाइड के द्वारा, और जिनके अद्रांश होते हैं ये भी किससे, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। आई बात समझ में। आगे फिर इसमें ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है कि प्रत्येक भारी श्रृंखला जो होती है, पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना कि प्रत्येक जो भारी श्रृंखला होती है, प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 किसने से, 440 प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्लों से, कितने से, 440 अमीनो अम्लों से तथा हल्की श्रृंखला कितने से, 220 से, कितने से, 220 से, 220 अमीनो अम्लों से क्या होती हैं, मिलकर बनी हुई होती हैं। आई बात है, अम्लों से बनी होती हैं, कि जो भारी श्रृंखला होता है उसमें कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 440, हल्की में कितने होते हैं, 220। आई बात समझ में। तो प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्लों से तथा हल्की श्रृंखला होती है 220 एमिनो अम्लों से क्या होती है, मिलकर बनी हुई होती है। आई बात समझ में। और ध्यान देना, समझना, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला से जुड़ी रहती है। क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला से जुड़ी होती है। और प्रत्येक भारी एवं हल्की श्रृंखला जो होती है वो दो भागों में विभक्त होती हैं, यानी प्रत्येक जो भारी श्रृंखला है और हल्की श्रृंखला है कितने भागों में विभक्त होती हैं, दो। कितने भागों में विभक्त होती हैं, दो। नंबर एक भाग कौन सा होता है, नंबर एक भाग होता है अस्थिर भाग, कौन सा होता है, अस्थिर भाग। और दूसरा कौन सा होता है, स्थिर भाग। नंबर एक होता है अस्थिर भाग, अस्थिर भाग, और नंबर दूसरा कौन सा होता है, स्थिर भाग, कौन सा होता है, स्थिर भाग। आई बात समझ में। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि प्रत्येक भारी और जो हल्की श्रृंखला होती है ये कितने भागों से मिलकर बनी होती है, दो भागों से। नंबर एक अस्थिर भाग और नंबर दूसरा कौन सा होता है, स्थिर भाग, कौन सा होता है, स्थिर भाग। आई बात समझ में। तो अस्थिर भाग क्या होता है, ये भाग प्रति जन से क्या करता है, क्रिया करता है। यह भाग क्या होता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। अस्थिर भाग के बारे में बताऊं, किससे क्रिया करता है, प्रतिजन से। किससे क्रिया करता है, प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। कौन, अस्थिर भाग प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है। आई बात समझे। और यह श्रृंखला के कौन से अंश की तरफ, NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। कौन से अंश की तरफ होता है, NH2 अंश की तरफ, NH2 अंश की तरफ होता है। आई बात समझ में। और इसे क्या कहते हैं, हम FAB के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, FAB, किसके नाम जानते हैं, FAB भाग भी कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं, FAB भाग भी कह देते हैं। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, प्रतिजन से क्रिया NH2 अंश की तरफ होता है, FAB भाग के नाम से भी जानते हैं। जबकि स्थिर भाग होता है, स्थिर भाग होता है, ये क्या होता है, COOH जो श्रृंखला होती है, कार्बोक्सिलिक जो श्रृंखला होती है, COOH यानी COOH अंश की तरफ होता है। ये भाग कहाँ होता है, यानी ये भाग होता है COOH अंश की तरफ। आई बात समझ, COOH अंश की तरफ। आई बात समझ। और इसे FC भाग के नाम से जानते हैं। कौन से भाग के नाम जानते हैं, इसे FC। आई बात समझ, कौन से भाग के नाम जानते हैं, FC। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, प्रत्येक भारी एवं जो हल्की श्रृंखला होती है कितने भाग होते हैं, इसके दो होते हैं। नंबर एक कौन सा होता है, अस्थिर, और नंबर दूसरा कौन सा होता है, स्थिर। अस्थिर भाग क्या होता है, प्रतिजन से क्रिया करता है, NH2 अंश की तरफ होता है, और इसे FAB भाग के नाम से भी जानते हैं। जबकि स्थिर भाग होता है, ये है COOH अंश की तरफ होता है। आई बात समझें। और इसे FC भाग के नाम से भी जानते हैं। और अधिकतर जो प्रतिरक्षियों के जो बाई स्वरूप होते हैं, बाई स्वरूप में जो दोनों भुजाओं का उद्गम स्थल होता है वो कैसा होता है, लचीला होता है। जहाँ से यानी बाई का उद्गम स्थल होता है कैसा होता है, लचीला होता है, जिसे हम हिंज क्षेत्र के नाम जानते हैं। किसे नाम जानते हैं, हिंज, आम भाषा में हिंज, या उसे कब्जे के नाम से जानते हैं। और लचीले होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को
प्रति जन के छोटे बड़े अणु समाहित कर अभिक्रिया करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जो बाई का उद्गम स्थल होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हिंज या कब्जे के नाम से जानते हैं, यानी मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। आई बात समझ में? और ये जो प्रतिजन के जो छोटे मोटे अणु होते हैं, उनसे अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं, उनको अपने आप में समाहित कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो इसको थोड़ा सा चित्र के द्वारा मैं बताता हूँ, तो देखना। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, कि ये यानी प्रतिरक्षी की क्या है, संरचना है। अभी हम प्रतिरक्षी की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी बता रहे थे, तो आपको समझा रहे थे भाई प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसा होता है। तो देखिए चित्र में आपको नज़र आ रहा है, अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसा नहीं है क्या, इस तरह वाई अक्षर, यानी इस तरह जो वाई अक्षर होता है वाई अक्षर, तो देखिए ये इस तरह वाई अक्षर जैसा होता है। और कितनी इकाइयाँ होती हैं संरचनात्मक, चार, एक दो तीन और चार, कितनी इकाइयाँ हो गई, चार। चार समझ, दो हल्की हैं ये और ये कैसी है, हल्की हैं, और ये और ये कैसी श्रृंखला है, भारी हैं। आई बात समझ, ये और ये श्रृंखला कैसी हैं, हल्की हैं, और ये और ये कैसी हैं, भारी। भारी को किससे प्रेजेंट करते हैं, भारी श्रृंखला को एल से, एस से हैवी, और हल्की किससे करते हैं, एल से, किससे करते हैं, एल से। और आपस में डाइसल्फाइड के द्वारा क्या होती हैं, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा क्या होती हैं, जुड़ी हुई हैं। तो देखिए डाइसल्फाइड के द्वारा, यानी भारी श्रृंखला जो होती हैं, और चाहे हल्की श्रृंखला होती हैं, चाहे एक H और एक L, चाहे एक H और L, आपस में डिसल्फाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। यानी दोनों अद्रांश आपस में डाइसल्फाइड बंध से क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। और जो भारी श्रृंखला होती है, चित्र में देखना, जो भारी श्रृंखला होती है 440 एमिनो अम्लों से, और हल्की श्रृंखला होती है वो 220 एमिनो अम्लों से क्या होती है, मिलकर बनी हुई होती है। तो चित्र को गौर से देना, नोटबुक में इसको बनाना आप चित्र को। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये उद्गम स्थल है बाई, देखो ये बाई का उद्गम स्थल यही तो होता है, ये माना वो है, और ये बाई का उद्गम स्थल यही तो होता है, ये बाई का। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हिंज क्षेत्र या कब्जे के नाम से जानते हैं, जो कैसा होता है, लचीला होता है। कैसा होता है, लचीला होता है। आई बात समझें? तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, ये क्षेत्र कैसा होता है, बहुत लचीला होता है, और लचीला इसलिए इसको कब्जे या हिंज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्लों से और हल्की श्रृंखला 220 एमिनो अम्लों से बनी रहती है। कितने भाग होते हैं इसके, दो। ऊपर का भाग होता है कैसा होता है, अस्थिर होता है, यानी ये मूवमेंट करता रहता है, गति करता रहता है, और नीचे भाग कैसा होता है, स्थिर भाग। तो देखिए स्थिर भाग क्या होता है, प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है, प्रतिजन स्थल होता है NH2। देखिए NH2 अंश की तरफ है कि नहीं है, ये NH2 अंश की तरफ होते हैं। आई बात समझ, और इसे हम FAB भाग के नाम से भी जानते हैं। जबकि जो स्थिर भाग होता है कौन सा होता है प्रिय छात्र छात्राओं, स्थिर भाग होता है ये COOH अंश की तरफ होता है। कौन सी तरफ होता है, COOH। तो चित्र में देखिए COOH अंश की तरफ है नहीं है, और इसे हम FC भाग के नाम से जानते हैं। कौन से भाग के नाम जानते हैं, FC। आई बात समझ, और बाई का जो उद्गम स्थल है वो उसको हम क्या कहते हैं, लचीले होने की वजह से, अधिकतर लचीले होते हैं, इसलिए कोई हम हिंज क्षेत्र या कब्जे के नाम से जानते हैं, हिंज कह देते हैं या कब्जे के नाम से जानते हैं। और क्या होता है कि लचीले होने के कारण जो हिंज होते हैं प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु समाहित कर अभिक्रिया करने में क्या करता है, सहायता करता है। और जो ये क्या होते हैं, लचीले होने की वजह से, ये लचीला है यहाँ से, और अस्थिर भाग होते हैं, क्या करते हैं, मूवमेंट। और माना इनके पास से कोई प्रतिजन जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई प्रतिजन, तो उसको आप क्या कर लेते हैं, अपने आप में समाहित कर लेते हैं। आई बात समय, तो यह प्रतिरक्षी जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, संक्षेप में IG कहते हैं। एक परिभाषा यहाँ पर पैराटॉप की ध्यान रखना, कि प्रतिरक्षी प्रतिजन से, प्रतिरक्षी जो होता है, प्रतिरक्षी प्रतिजन यानी प्रतिरक्षी का वह भाग, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है, क्या कहलाता है वो, अपना क्या कहलाता है, पैराटॉप कहलाता है। और ये प्रतिजन जो होते हैं हमारे रक्त एवं अन्य तरल पदार्थ होते हैं, उनमें क्या होते हैं, स्थित होते हैं। फिर इसकी संरचना प्रिय छात्र छात्राओं आपकी समझ में आ गई होगी, चित्र को बना लेना, पूरी प्रतिरक्षा दो भाग, स्थिर अस्थिर, और ये आपका क्या है, प्रतिरक्षी की संरचना है। आई बात समझ में, तो गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिरक्षी और प्रतिरक्षी की संरचना, ठीक है ना। अगला टॉपिक है इसमें प्रिय छात्र छात्राओं की प्रतिरक्षियों के प्रकार, प्रतिरक्षियों के प्रकार, तो अगली क्लास में बताएंगे, तो इसको नोटबुक में नोट कर लेना प्रिय छात्र छात्राओं। थैंक्स, ओके।